हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल योगी रवि। मैं आज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, पहले रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम आज हम जानते हैं। ठीक है, ओके। नंबर सिस्टम क्या है? द नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन। नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नंबर सिस्टम ग्रुप ऑफ नंबर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। जैसे फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर, दिस नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। जैसे एग्जाम्पल, वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन, इन्फिनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। जैसे इन्फिनाइट, थ्री डॉट्स का मतलब हो गया कि जहाँ तक आप जा सकते हो, लाइफ टाइम लिखते रहो, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। उस तरह के नंबर को नेचुरल। नेचुरल नंबर का एक दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर। हम लोग काउंटिंग नंबर भी किसको बोलते हैं, डिफिनेशन में कहीं कहीं बच्चा भी बोलते हैं नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर को ऐसे भी दिखाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, ये एक नंबर लाइन हो गया। क्या हो गया? नंबर लाइन। अब नेक्स्ट नंबर है होल नंबर। होल नंबर, दिस नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। दिस नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ये नंबर जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। सो इन्फिनिटी तक गया। इस नंबर को भी दिखाना है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो, वन टू थ्री, ये नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं। तो आपको नंबर लाइन पे दिखाते चल रहे हैं और इसको जितना चाहिए उतना आगे बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिटी तक ये भी नंबर जाएगा। नेक्स्ट है इंटीजर। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इंक्लूड नेचुरल एंड देयर इनवर्स ऑफ जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि एक नेचुरल नंबर तो रहेगा ही। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गया? वन टू थ्री फोर इन्फिनाइट तक। क्या कह रहा है और क्या लिखा है? इनवर्स विथ जीरो, मतलब जीरो के साथ। इनवर्स का मतलब होता है ये नंबर हो गया प्लस वन, तो इसका इनवर्स माइनस वन माइनस टू, मतलब इधर आप बढ़ जाइए लेफ्ट। इसको भी हम कहाँ तक जा सकते हैं? जहाँ इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ये नंबर लाइन इंटीजर में क्या होता है? दिस इंक्लूड नेचुरल एंड देयर इनवर्स विथ जीरो। ये नंबर लाइन पे हमने किसको दिखाया? इंटीजर को दिखाया। ठीक है, ये स्टार्ट जीरो, जो जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। कोई आपसे पूछे जीरो क्या होता है, जीरो को ना बोलिएगा पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, आगे है नेक्स्ट। तीसरा नंबर है हमारा रैशनल नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। रियल नंबर इंटो रैशनल नंबर क्या है? दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कि जीरो है, जीरो के नीचे क्या है? वन है। तो इसका मतलब जीरो हो गया पी और वन हो गया क्यू। जो नीचे जो है क्यू जो है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे टू है तो टू के नीचे क्या रहता है? वन। थ्री क्या है? थ्री के नीचे क्या रहता है? वन। जैसे फाइव बाई टू, तो ये तो हमको समझ में आ रहा है। तो कोई पूछेगा जीरो, तो जीरो के नीचे वन छिपा रहता है। ठीक है, जीरो बाई वन होता है। तो वैसे नंबर जिसका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे जैसे कोई लिख दिया 5.2, सर 5.2, 5.2 का मतलब हो गया 5.2, और डेसिमल हटता है तो नीचे क्या आएगा? एक डेसिमल है तो 10 आएगा। तो ये भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये डेसिमल नंबर भी जो है हमारा, ये नंबर रैशनल ही होगा। एक रैशनल का भाई है अगला इरेशनल। इरेशनल मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर जो हैं रैशनल होंगे, कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर क्या कहता है? कि दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई, जैसे 1.01, 1.00, 0000,
सो मतलब आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इस तरह के नंबर जो है, जैसे देखिए ये 0.01 0.011 रूट टू जो, ये सब नंबर जो है क्या है, इरेशनल। जैसे रूट टू है, रूट टू को हम निकालते रह जाएंगे लाइफ टाइम, कभी भी उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। मतलब उसको जितना डेसिमल के बाद बढ़ते जाएँ कभी भी उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। जैसे पाई है, पाई को मिलियन ऑफ डेसिमल के बाद मिलियन ऑफ नंबर तक निकाला जा चुका है, लेकिन आज तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया। तो उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, जिसका कुछ अंत है ही नहीं। तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। अब अगला है रियल नंबर। दिस इट कंटेन ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन। जैसे देखिए नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर हमको दिखा देंगे वो सारा नंबर, मान लीजिए फाइव हो गया, ये फोर हो गया, जो भी इसके बीच में फाइव और फोर के बीच में जितना सारे नंबर है सभी इस रियल ये नंबर लाइन पे जो भी पूछ दे कि क्या है, पूछ देंगे कि कौन सा नंबर होगा, तो हम बोल देंगे रियल नंबर होगा। ये कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर। जीरो कैसा नंबर, जीरो भी रियल नंबर हो जाएगा। माइनस फोर कैसा नंबर है, बोलेगा 4.1 कैसा नंबर है, तो सभी क्या हो जाएंगे, रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब है कि रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर जो है, रेशनल और इरेशनल दोनों मिल के क्या बना देंगे, एक रियल नंबर। और रेशनल नंबर भी क्या है, सारे नंबर जो है, ये सभी नंबर जो है किसके अंतर्गत आते हैं, रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रियल नंबर। तो अब रियल नंबर के अंदर मतलब अंदर आने वाला नंबर क्या है, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल, ये सब नंबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, रियल नंबर। ठीक है, अगला है प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर, नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर क्या होता है, दैट हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड नंबर इट्सेल्फ। जैसे टू है, टू को आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वन इंटू टू। इसका वन का एक फैक्टर कौन आ गया, वन, और एक इट्सेल्फ मतलब दो। जैसे थ्री है, वन इंटू थ्री, इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो एक हो गया वन, एक हो गया इट्सेल्फ। जैसे हो गया फाइव, वन इंटू फाइव, तो ये भी क्या हो गया, ये सारे नंबर जो है वैसे नंबर जिसका एक एक फैक्टर मतलब एक तो होगा ही उसका फैक्टर, और इट्सेल्फ मतलब स्वयं से जो भी नंबर होगा उसका स्वयं फैक्टर, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब एक कंपोजिट नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर, जैसे मान लीजिए फोर लिख दिए, फोर का वन होता है, टू होता है, फोर होता है, तो बताइए वन टू और एक क्या आ गया, फोर। मतलब दैट मोर देन टू फैक्टर, दो से अधिक फैक्टर जिसका होते हैं उसे नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट नंबर, सेट ऑफ विच नंबर हैव ओनली वन एज देयर को फैक्टर, कॉमन फैक्टर, दैट एच सी एफ वैसा नंबर। ये नंबर्स होते हैं, ये नंबर नहीं होता, ये क्या होता है, नंबर्स। जैसे टू और थ्री हमसे बोल दिया, ये बताओ को प्राइम नंबर है, तो हम बोलेंगे कि यस सर, क्यों, क्योंकि इसका वो टू का फैक्टर किए तो क्या आ गया, वन इंटू टू, थ्री किए तो क्या आ गया, वन इंटू थ्री, बताओ इसका कॉमन क्या हो रहा है, वन। यही जो कॉमन जो होता है, इसी कॉमन को तो हम लोग एच सी एफ बोलते हैं, इसका एच सी एफ भी क्या हो जाएगा, वन। तो हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, वैसे नंबर जिसका एच सी एफ क्या है, वन आए, वही हमारा क्या हो सकता है, को प्राइम नंबर। सेट ऑफ नंबर विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर या देयर एच सी एफ विल बी वन, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ये नंबर सिस्टम जो है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम बहुत